हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है ये। बस 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 इतना छोटा सा फ़ोन। ये कितना छोटा है, शायद जितनी मेरी नाक होगी, है ना। आई इतना छोटा है ये जितनी मेरी नाक है, शायद शायद हाँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा फ़ोन है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आइए, अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं, लुक की बात करूं, तो लुक इसकी बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी। इसमें ये वाला जो डिज़ाइन बना है, ये इसे आप लेदर लुक कह सकते हो, लेदर लुक के डिज़ाइन में ही है। यहाँ पे स्पीकर तो है नहीं, बट स्पीकर टाइप में वैसी इसकी फिनिशिंग बना रखी है। और नॉर्मल आजकल जो जैक चल रहा है V8 के लिए एंड्रॉयड चार्जर जो होता है वो केबल सपोर्टेड है। और इसके साथ ही यहाँ पे छोटा सा जो ये होल है ये माइक के लिए, और साइड पे ये वाला जो साइड है इसके यहाँ पे आप कोई भी डोरी लटका सकते हो। स्क्रीन के हिसाब से ये इस टाइप का लगता है, और अप डाउन और ये वाले कीपैड बटन प्रेस करने में बहुत सॉफ्ट हैं। तो बॉक्स ऐसा लगेगा आपको, ये छोटा सा बॉक्स है। रैपर हटा, उसके बाद ये बॉक्स जो सिल्वर कलर का बॉक्स है, और ये बना भी मेटल से है। इसका जो मटेरियल है ये मेटल ही है। इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर किसी को गिफ्ट फोन में देना चाहते हो तो ये गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, आप गिफ्ट दे सकते हो। इसके बाद ये इसकी गाइडलाइंस, केबल, चार्जिंग केबल, इसकी छोटी सी बैटरी और ये छोटा सा फोन, ये बॉक्स। तो आइए आप इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ और इसमें जो जो फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास मोबाइल, और ये आ गई इसकी बैटरी। बैटरी मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। इसकी बैटरी इंसर्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डबल सिम लगते हैं, और दोनों सिम जो हैं ये बिल्कुल नैनो सिम लगेंगी इसमें। और इस वाली सिम के ऊपर ही ये वाली जो जगह आप देख रहे हो, मेरी उंगली इस पर फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि फ़ोन का साइज़ बहुत छोटा है और उंगली का साइज़ उसके हिसाब से थोड़ा मोटा आ रहा है। बट ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपका मेमोरी कार्ड इंसर्ट होता है। बैटरी इंसर्ट होने के बाद हो गया आपका फ़ोन ऑन। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन इसकी जो है तकरीबन दो ही कलर की है, डार्क ब्लू और वाइट कलर की। इसमें अगर मैं मेन्यू पे आऊँ तो मेन्यू में बीटी डायलर का मतलब कि आप इस फ़ोन को एज ए ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो, बिना सिम डाले किसी भी फ़ोन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और सिम इसमें आप मत डालो तो बिना सिम के ही ये ब्लूटूथ डिवाइस का काम करेगी। इसमें ये देखिए, सर्च करने के बाद जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस होगा वो फाइंड कर देगा और कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ़ोन बुक है इसमें,
कॉल सेंटर में आपकी कॉल लॉग्स और कॉल सेटिंग्स। कॉल सेटिंग्स में इसका मैजिक वॉइस रिकॉर्डर भी है, आप मैन की साउंड निकाल सकते हो, वुमेन की निकाल सकते हो, चाइल्ड की निकाल सकते हो, तो ये मैजिक वॉइस में। और इसके बाद मैसेजिंग है, टूल्स है, टूल्स में ब्लूटूथ है और कीपैड वॉल्यूम ऑफ। अगर आप ये ऑन कर दो तो कीपैड इसका प्रेस होने पे जो बटन आप प्रेस करोगे तो वही साउंड इसकी आउट होगी, अलार्म है और मोबाइल ट्रिगर, ब्लैकलिस्ट, वाइट लिस्ट। और सातवें नंबर का जो ऑप्शन है ऑटो कॉल रिकॉर्ड। इसके बाद सेटिंग, सेटिंग में इसके फ़ोन सेटिंग में लैंग्वेज में हिंदी है सपोर्टेड और कुछ लैंग्वेजेस इसमें सपोर्टेड हैं। और सिक्योरिटी ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन है। इसके बाद ऑडियो प्लेयर, जो मैंने आपको बोला था इसमें MP3 प्लेयर भी चलता है, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, रिकॉर्डर, FM रेडियो भी है इसमें, फाइल मैनेजर जोन। तो यही इसमें फीचर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। अब इस फ़ोन का साइज़ मैं आप दिखाता हूँ कि इसका साइज़ कितना है। तो ये हो गया रूलर, इसका अगर मैं साइज़ देखूँ तकरीबन 2.5 इंच ये बनेगा, और अगर इस हिसाब से मैं देखूँ तो तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा छोटा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।